दोनों गड्ढों के तैयार हो जाने के बाद नक्शे के हिसाब से 3 फीट बाय 4 फीट के चबूतरे और उसके ऊपर कमरा बनाने के लिए 1.5 फीट गहरी और 10 इंच चौड़ी नींव खोदते हैं। मसाला बना लेने के बाद उसकी 3 इंच मोटी परत को पूरी नींव में फैला दें। अच्छी तरह से दुर्मुश किए जाने के बाद 10 इंच ईंट का एक रद्दा चारों तरफ लगाएं और अगले 3 रद्दे 5 इंच के लगाते हुए 1 फीट ऊपर जमीन तक बुनियाद भर लें कि मुंह तक चबूतरे को पुरानी ईंट, बालू तथा मिट्टी से भरेंगे और पानी डालकर पूरी तरह से बैठ जाने के लिए 1 दिन के लिए छोड़ देंगे। ये करते समय हम सीट में बने छेद को किसी कपड़े या बोरी से ढक देंगे जिससे कि मसाला सीट के अंदर और मुर्गे में न जाए। इस जमाव के बाद 3 इंच मोटे 1/4-8 के मसाले से चबूतरे की पक्की जमीन को बनाएंगे जो पैन के ऊपरी सिरे से 1 इंच नीचे रहेगा। इसके बाद 1 इंच मोटा 1/2-4 का मसाला डालकर चबूतरे की जमीन को चिकना करते हुए पावदान को बिठाया जाएगा जो चारों तरफ से पैन की तरफ ढलानदार होगा ताकि पानी फर्श पर न रुके और सीट के जरिए बह जाए। कमरे की दीवार का निर्माण करते समय हम कमरे के दरवाजे, झरोखे और पानी की टंकी और टंकी से आने वाले नल की फिटिंग का भी ख्याल रखेंगे। शौचालय के कमरे की दीवारें 5 इंच मोटी 1/6 के मसाले से जोड़ी जाती हैं और दरवाजे की तरफ की ऊंचाई 6 फीट और पीछे की तरफ 5.5 फीट होती है। कमरे का दरवाजा 5.5 फीट बाय 2.5 फीट का होता है जबकि दरवाजे की ऊपर की बची हुई 6 इंच की जगह है शौचालय को हवादार बनाने के लिए खाली छोड़ दी जाती है। पीछे की दीवार में 5 फीट के ऊपर झरोखा बनाया जाता है जिससे कोई भी व्यक्ति शौचालय के अंदर देख न सके लेकिन हवा आर पार आ जा सके। सामान्य तौर पर कमरे का दरवाजा बैठने वाले व्यक्ति के सामने होना चाहिए, इसीलिए शौचालय में पानी की टंकी की भी व्यवस्था की जाती है। पानी की टंकी शौचालय की दीवार के साथ या शौचालय के आसपास अलग भी बनाई जा सकती है। पानी की टंकी का निर्माण चबूतरे से 2 फीट की ऊंचाई पर किया जाता है जिसमें 1 नल शौचालय के अंदर और 1 टंकी के बाहर शौच के बाद हाथ धोने के लिए लगाया जाता है। टंकी की क्षमता 1 बार में 15 लीटर पानी की होती है। इसे जरूरत के अनुसार बढ़ाया भी जा सकता है। कमरे की दीवार के तैयार होने के बाद फर्श और दीवार पर प्लास्टर किया जाता है। आखिर में कमरे पर छत को लगाया जाता है। स्थान और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर टिन, घास फूस या सीमेंट और मसाले से बनी कंक्रीट की छत का चुनाव किया जा सकता है।